तो आज हम करने वाले हैं एरे फार्मूला। ठीक है, एरे फार्मूला क्या होते हैं पहले उनको देखते हैं। जैसे कोई भी डेटा होता है तो हम उनका ऐसे जो रेफरेंस देते हैं वो रेफरेंस रीड कैसे होता है। देखो, अभी मैंने मल्टीपल सेल का रेफरेंस दिया है तो ये रीड कैसे होगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और F9 प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये रीड होता है, मतलब कि 68। अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी रेंज होती है, कॉमा का मतलब है कि कॉलम पे। ठीक है, 68 कॉलम 50, फिर सेमी कॉलन मतलब अगली रो में। ठीक है, तो आप देखोगे कि सेमी कॉलन जहाँ पे रो ब्रेक है वहाँ पे है। तो किसी भी फार्मूला के अंदर जब भी हम कोई भी चीज़ देते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अभी क्या होता है कि मैं मल्टीपल वैल्यू लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू की एरर आ रही है क्योंकि वहाँ मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। पर जब मैं इसको सिलेक्ट करके उतने एरिया में फैला देता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे ये एरे का लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते ही ये अपने आप आता है और तब ये मल्टीपल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा कॉमा और उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे कि ये है हमारे पास, इसमें अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू देता, ठीक है, और इसको अगर मैं इतने पे फैलाता हूँ F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो जहाँ कॉमा ब्रेक है वहाँ कॉमा पे आगे कॉलम में आगे चला जाएगा, जहाँ रो ब्रेक है वो अगली रो में चला जाएगा। एरे फार्मूला मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ डील करता है। ठीक है, तो हमारा एरे का बेसिक ये है। इसमें क्या करते हैं, अब जैसे कि एक फॉर्मूला कोई भी टाइप करता हूँ या सीधी सी बात है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं जो प्लस करूँ, ये नीचे जो सम लगा रहा हूँ वो सिर्फ माइनस को भी प्लस में कंसीडर करे, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं हम, ABS का। ठीक है, ABS का फार्मूला एक ही सेल रेफरेंस ले सकता है। कई फार्मूला ऐसे हैं जो एक सेल रेफरेंस लेते हैं, कई फार्मूला ऐसे हैं जो पूरी रेंज लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो ABS का फार्मूला मैं इसमें डाल देता हूँ, तो ये हो गया प्लस में, और उसके बाद जब इनका सम करूँगा तो ये फुल रेंज ले रहा है। देखो, सम का फार्मूला पूरी रेंज हैंडल कर सकता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जैसे कि हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, अगर मैं चाहूँ तो ABS के फार्मूला में मल्टीपल रेंज डाल के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर के जरिए। तो ये क्या करेगा, हर एक रेंज को पे ABS फार्मूला लग गया। ठीक है, अब ये भी एक रेंज बना रहा है, ये भी रेंज एक इसी तरह ही बना रहा है, वो मैं देता हूँ सम को। तो यानी कि ये रेंज जो मैं सम के अंदर भी दे सकता था ABS, क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता, तो मैंने ABS के अंदर रेंज दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, आ गया जो मुझे चाहिए था एक ही फार्मूला में। इवैल्यूएट करोगे तो आप ये चीज़ देखोगे कि ABS के फार्मूला ने उतने रिजल्ट दे दिए आपको, वैसी ही रेंज बनाई है जिसकी हम बात कर रहे थे। और सम ऐसी रेंज को हैंडल कर सकता है। जो फार्मूला मल्टीपल रेंज को हैंडल नहीं करते उनके लिए हम एरे लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, जो कैच करते हैं सम, एवरेज, ये सब फार्मूला के अंदर एक ही फार्मूला में रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो इनका यूज़ इधर होता है। अब जैसे मेरे को इनका यूज़ एरे का यूज़ उस जगह होता है जहाँ पे आपका जहाँ आपके साथ कोई फार्मूला नहीं चलते, ठीक है। अब जैसे मैंने एक नाम लिखा और यहाँ इस तरह से ये दे दिए, ठीक है। अब इसमें मुझे निकालना है सबसे बड़ा नाम कौन सा है, सबसे ज़्यादा करेक्टर किस में, तो हम किससे निकालेंगे, लेंथ के फार्मूला से। लेंथ मुझे बता रहा है कि किसके कितने करेक्टर हैं, है ना। इसमें सबसे बड़े नाम के लिए क्या करूँगा, मैक्स निकालूँगा इसमें से, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैक्स मैक्स में से मैक्सिमम निकल जाएगा, ठीक है। अब जो मैक्सिमम निकला है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ मैच इंडेक्स के जरिए। इंडेक्स रिजल्ट किस में से आना है, इसमें से आना है, ठीक है। मैच मैच में क्या फाइंड करूँगा, मैक्स की वैल्यू। मैक्स की वैल्यू किस में फाइंड करूँगा, इसमें फाइंड करूँगा, इस रेंज में। एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो, तो मेरे पास मैक्सिमम नाम आया, ठीक है। कोई भी अगर मैं बड़ा कर देता हूँ तो वो नाम आ जाएगा। लॉजिक समझ आया कैसे लगा। अब मुझे चाहिए कि ये जो सारा काम किया है वो एक ही फार्मूला के अंदर हो जाए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, देखो इंडेक्स, इंडेक्स में मैंने रेंज ले ली। मैच, मैच में मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम लेंथ वैल्यू चाहिए, है ना। तो मैक्स लेंथ किसकी, इसी की, ये, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ वैल्यू, मैक्सिमम लेंथ किस में सर्च होनी है, ये लेंथ वाले एरे में, है ना। यहाँ डाल दिया ज़ीरो, क्योंकि मैक्स एक वैल्यू निकालता है, लेंथ पूरी एरे निकालता है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। समझ आया फॉर्मूला क्या लगा है। ठीक है, तो मतलब इनका यूज ऐसी जगह किया जा सकता है आप खुद के फॉर्मूले बनाने में जहां कोई और फॉर्मूले नहीं चलते, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, सम प्रोडक्ट होता है, हैं, सम इफ या सम प्रोडक्ट होता है, उनको भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ डेटा बना लेता हूँ पहले सम प्रोडक्ट के लिए, सम प्रोडक्ट के लिए दो रेंज चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें सम प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है और फिर ये सम हो गया अंदर, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट आपको यही निकाल के देता है। हमारे पास सम प्रोडक्ट का फार्मूला है कि एक रेंज में हमारा काम हो जाता है, दो रेंज दे दी तो आपस में एक एक को मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका सम कर देगा, ठीक है। पर मेरे पास सम प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं होता, अपने आप से ही मुझे निकालना होता तो क्या करता मैं डालूँगा सम, और जो मैंने ऊपर किया एक एक वैल्यू मल्टीप्लाई की थी ना, इसमें पूरी रेंज मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के साइन से फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया। इवैल्यूएट में अगर आप देखोगे तो ये रेंज पहले खुली और ये आपके पास यही वाला रेंज आ गया, है ना। सम ने इनका सम कर दिया, ठीक है।
इसी तरह से इसमें हम जैसे कुछ और भी काम कर सकते हैं, सम इफ वाला जो हमने किया था वो भी हम इसमें कर सकते हैं। विदाउट सम इफ के सम इफ जैसा काम, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम रेंज बनवाएंगे, कंडीशनल रेंज है। अगर सम इफ का फार्मूला नहीं होता तो मैं क्या करता, एक इफ का फार्मूला लगाता और चेक करवाता कि क्या ये वैल्यू इक्वल टू संदीप है, ठीक है। अगर है तो क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू में ये सेल्स दे देनी है, अदरवाइज जीरो दे देना है, ठीक है। इस तरह से रेंज में एंटर करवाता, ठीक है। अब फिर इसका सम कर लेता, ठीक है। पर ये काम अब सेम हमें क्या करना है, सेम फार्मूला लगाना है, बस उसमें जहाँ हमने सिंगल रेंज ली है वहाँ मल्टीपल रेंज ले लेंगे, ठीक है। यही फार्मूला लगाएंगे, इफ ये रेंज इक्वल टू है इस रेंज के तो क्या करना है, ये सेल वाली रेंज दे देनी है, अदरवाइज जीरो दे देना है, ठीक है। तो जैसे अभी जीरो दे दिया, अब इफ जो है मल्टीपल वैल्यू जनरेट करेगा, इसको कैच कौन करेगा, सम, ठीक है। आ गया सेम एक फार्मूला में, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का फार्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको प्रदीप की सेल, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो दोनों की सेल निकल आई, ठीक है। तो ये तो जब सम इफ नहीं होता तो सम हम कैसे लगाते, ठीक है। पर कोई काम जो सम इफ भी नहीं कर सकता है वो क्या है, कि अगर मुझे इन दोनों की सेल का टोटल चाहिए तो सम इफ ये काम नहीं कर सकता, दोनों का इकट्ठे टोटल नहीं दे सकता, मतलब कि ये फिगर आपको नहीं दे सकता। तो हम करेंगे क्या, मैं क्या करता हूँ, एक सम इफ का फॉर्मूला लेता हूँ। सम इफ में मैंने रेंज डाली, क्राइटेरिया, हाँ क्राइटेरिया में मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ, है ना। अगले में मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको सिलेक्ट करके फिर से यही क्राइटेरिया कर लूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो सम रेंज मैंने दे दी, अब इसमें ट्रिक क्या है कि सम इफ ने आपको एक का टोटल दिया, अगर दोनों का अलग अलग देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसिस के अंदर कॉलन, इस तरह से रेंज देनी पड़ेगी, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ या इस तरह से रेंज दे दूँ, ठीक है। अभी एंटर कर रहा हूँ, नहीं दिखा रहा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा तो भी ये दो अलग अलग, कॉलन का मतलब है इसके नीचे जनरेट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, दो वैल्यू जनरेट कर रहा है ये, तो उनको कैच कराने के लिए सम का यूज़ करूँगा, तो सम इफ की दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ अगर अदरवाइज मुझे कैसे करना पड़ता, ये मैं क्या करता कि सम सम इफ रेंज क्राइटेरिया
सम रेंज, ठीक है, ये आया। और इसके साथ मुझे करना होता प्लस, फिर से ऐसा ही सम इफ का फॉर्मूला, रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज, इस तरह से देना होता मुझे, है ना। तो इन दो फार्मूला को मैंने यहाँ एक फार्मूला के थ्रू जनरेट करा दिया, जिसको सब ने पकड़ लिया। समझ में आया ये? क्योंकि अभी तो सिर्फ दो वैल्यू की बात है, तो दो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और 50 वैल्यू तब ये काम आएगा आपको, ठीक है ना। ये फार्मूला काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे फार्मूला का काम अकेले करते हैं। इसी तरह जो मैंने IPMT का फार्मूला बताया था, उसमें पर जहाँ डाल रहा था मैं, वहाँ 1 से 60 तक जो नंबर जनरेट कराए थे मैंने, तो उसकी 60 अलग अलग वैल्यू जनरेट हुई थी उसी की, है ना। इसमें तरीका क्या होता है कि देखो, एक तो ये इफ़ वाला मेथड समझ आ गया कैसे होता है, एक तो ये मेथड हो गया सम इफ का, आपको मैंने इफ़ के तरीके से बताया। एक और तरीका होता है इसको सम इफ को ही लगाने का, मैं क्या करूँगा, सम करता हूँ और इसमें दे देता हूँ ये जो नेम्ड रेंज है, ये पूरी रेंज है, इसको करता हूँ इक्वल टू संदीप कर देता हूँ। तो अभी इसका मतलब क्या है कि ये रेंज में चेक करेगा संदीप कहाँ पे है, किस में आंसर देगा, ट्रू फॉल्स में। तो ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की 0। तो मुझे क्या करना है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, जो 1 की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ यहाँ वाली सेल्स की वैल्यू से। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो एक ये भी ट्रिक लगाई जाती है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुई, इसको माइनस माइनस कर देता हूँ, नहीं I3 माइनस माइनस नहीं, इसको ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देता हूँ। अभी भी दिक्कत आ रही है, सम ने ये वैल्यू कैच की है, अब देखते हैं कि एरर आ कहाँ से रही है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इवेल्युएट कर लेता हूँ, ये ट्रू फॉल्स में अगर नहीं हो रहा है, यहाँ ठीक है, नाम खुला, ट्रू फॉल्स में हो गया। ट्रू फॉल्स के बाद यहाँ पे ये खुलेगा, और ट्रू फॉल्स के बाद रेंज बन रही है। वैल्यू की एरर कहाँ आ रही है, वैल्यू की एरर हमारे पहले वाले इसमें आ रही है। ओके, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हमारा पहला रेंज जो है वो न्यूमेरिक नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता। हाँ, तो उनमें से एक भी एरर दे देगा तो ये एरर दे देगा। तो या तो इसका तरीका इस रेंज के बाहर मैं इफ एरर का फंक्शन लगा दूँ, और या फिर इस रेंज को कम कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया, ठीक है। सम इफ का ही मैं कैसे कर सकता था कि ये इक्वल टू I3 है ना, ये डबल क्राइटेरिया कैसे लगा सकता था कि मैं इसमें ब्रैकेट देके एक कंडीशन फिर से वैसी लगा दूं, और वो क्या कर दूं, प्लस कर दूं, प्लस करके प्लस करके यहाँ मैंने दे दिया,
i3 की जगह i4 कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये दोनों रेंज खुलेंगी, तो कई जगह फॉल्स होगा, कई जगह ट्रू होगा। यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यानी वन आएगा, 10 यहाँ जनरेट होगा, यहाँ 10 जनरेट होगा, तो 10 में प्लस होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा लगभग ऐसे, ठीक है। बेसिकली कंडीशन कर रहे हैं, जब हमें दोनों चाहिए, जैसे दोनों रेंज चाहिए, तो हम इनको प्लस करेंगे, वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये हमने करके देखा, ये समझ आ गया ना प्लस वाला कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आप करोगे यही चीज़ इधर, तो ये अगर इक्वल टू संदीप है, दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर रहे। तो ये ट्रू फॉल्स आ गया, और इसी में करता हूँ E3 इक्वल टू प्रदीप। ये भी ट्रू फॉल्स आ गया। तो अब देखो, जब मैं इनको प्लस करता हूँ तो संदीप की वैल्यू में भी 1 आएगा और प्रदीप की वैल्यू में भी 1 आएगा, ठीक है ना। बाकी जगह 0 आएगा। तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उनकी वैल्यू ले ली, उनका सम कर दिया, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फिगर से तो हमारे पास वही आएगी, और अंत में सम के अंदर जा रहा है वो। तो यही पैटर्न इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। सम के साथ अगर आप वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सम करके दे रहा है। काउंट करना है तो क्या करना है कि कितने रिकॉर्ड है, तो आपको ये मल्टीप्लाई नहीं लगाना है, ठीक है। फंक्शन सम का ही रहेगा पर मल्टीप्लाई नहीं लगाना है, वो एक दो एक दो एक एक जहाँ पे भी है वो काउंट कर लेगा। तो ये कह रहा है 44 रिकॉर्ड है, खाली संदीप के कितने रिकॉर्ड हैं, तो सम, ये रेंज सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसका हमने इक्वल टू संदीप, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अच्छा ये मैंने बहुत बड़ी रेंज दे दी है, इस कारण से शायद ना हो पा रहा। ये कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, खाली संदीप के 0 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि आंसर ट्रू फॉल्स में है तो सम उसको सम नहीं कर पा रहा है, है ना। उसको कन्वर्जन के लिए कुछ चाहिए होता है कि 10 में कन्वर्ट करे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए होता है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो जब सिंगल दे रहे हो, अगर दूसरा प्लस माइनस करोगे तो हो जाएगा अपने आप। तो उसी जगह ये आ गया कि 22 रिकॉर्ड है, क्योंकि ट्रू फॉल्स की वैल्यू डायरेक्ट 1 नहीं होती जब तक कैलकुलेट ना हो, ठीक है। क्योंकि पहले जो अगर हमने 1 नहीं डाला था तो क्या हो रहा था देखते हैं। इवेल्युएट किया हमने तो ये ट्रू फॉल्स आ रहा है, और ट्रू फॉल्स के कारण 0 हो गया। पर जब मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं हम, तो कैसे आता है कि ये ट्रू फॉल्स आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वाले को वो सम कर देगा, ठीक है। तो सम इफ काउंट इफ का आप सारा काम इस फार्मूला के जरिए कर सकते हो, मल्टीपल काम, ठीक है। तो एरे के मतलब ऐसे ही यूसेज हैं जो आपके हर एक फार्मूला में आपको मिलेगा। जैसे कि अब जैसे मैं एक और फार्मूला दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है
यहाँ पे कि जितने कैरेक्टर हों एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, एक मिड का फार्मूला है, मिड का फार्मूला टेक्स्ट स्टार्ट नंबर वन नंबर कैरेक्टर एक, एक कैरेक्टर चाहिए। दूसरे के लिए करूंगा मिड स्टार्ट नम, यहाँ पे डालूंगा टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक चाहिए, इस तरीके से करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट नम में ही यहाँ पे जो है कैरेक्टर आगे बढ़ा रहा हूँ स्टार्ट नम में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, टेन कैरेक्टर्स मैंने दे दिए बड़े ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये क्या करेंगे, कॉमा कॉलम के लिए होता है, तो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो सात तीन दस, अगर इसमें कैरेक्टर कम होते मैं यहाँ पे ये वैल्यू नहीं देता, तो वहाँ पे जाता ब्लैंक और इसमें आती एक एरर। आठ तक किया ना, तो आठ तक तो ब्लैंक गया, फिर उसके बाद एरर आ गए। तो इसको मैक्सिमम तक ही देना है ताकि एरर ना आए। ठीक है, एरे फार्मूला आपका डिलीट भी ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे जाके वो कॉमा वन इसलिए है कि जैसे कितने कैरेक्टर चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अभी हमने जो एंट्री की वो स्टार्ट नम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी, तो हर एक को स्टार्टिंग नंबर अलग 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 मिल गया। ठीक है, और वहाँ से वन कैरेक्टर निकाल दिया इन्हें। ठीक है, क्या है कि एरे का फार्मूला आप डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, जिस सिलेक्शन में वो लगा हुआ है ना उससे ही डिलीट होगा या चेंज होगा, तो आपको सिलेक्ट करके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पर किसी एरे में आपको देखना हो कि कितना लंबा एरे लगा है, तो उस पर क्लिक करो, फाइंड एंड सिलेक्ट में जाओ, गो टू स्पेशल में जाओ, और यहाँ पे है करंट एरे, तो ये आपको सिलेक्शन दे देगा। ठीक है, ये समझ आए। अब इसका यूज जो मैंने किया था वो एक कंपनी के लिए किया था, NEFT का फॉर्मेट बनाया था, दिखाता हूँ वो फॉर्मेट कैसा था। ये था एक्सिस बैंक का NEFT फॉर्मेट। अब बेशक आप कंप्यूटर में फॉर्मेट तो बना दोगे, इसमें टाइप करना तो अलग वो होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको बोल दिया कि आप यहाँ डिटेल डालो, और ये यहाँ पे अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही फार्मूला से पूरा फॉर्मेट बना हुआ, सब में वही लगा है। जैसे कि स्मॉल केस में डालता तो अपर का फार्मूला लगा दिया। अब ये कॉलन क्या है, कॉलम, जैसे कि मैंने ये 1 2 3 4 खुद से दिया है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मैं दूंगा कॉलम का फार्मूला और इसमें डाल दूंगा एक से लेकर, ये एक से ही चालू होता है 10 तक, 1:10, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये क्या करेगा 1 2 3 4 अपने आप दे देगा 10 तक। वहाँ पे जो मैंने फार्मूला लगाया था वो भी मैंने मतलब कॉलम 60 करके लगाया था, 1:60। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कॉलम और रो का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ रो की वैल्यू देनी है वहाँ रो दे सकते हैं, जहाँ कॉलम की देनी है वहाँ कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, जो 1 2 3 पे चलते हैं, जैसे कि आपका VLookup होता है। अब VLookup में क्या लगता है आपका, दिखाता हूँ, हम्म,
VLookup में हाँ मान लीजिए ये VLookup है, तो इसमें VLookup में आपका यहाँ 2 और यहाँ 3 कॉलम इंडेक्स ही चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2 से लेकर 5 तक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे लगा सकते हो, 2 3 4 5 यहीं पे, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी एरे की प्रैक्टिस करने के लिए और बहुत एग्जांपल देखने हैं, क्योंकि एरे सिर्फ एक अभी एक शुरुआत है, एरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये कॉन्सेप्ट है लगाने का, फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। इसको आगे तभी सीखा जा सकता है जब प्रैक्टिस हो, ठीक है। टेक ऑन दी नेट पे देखेंगे, टेक ऑन दी नेट पे अपना एक्सेल, ठीक है, और इसमें आपका जो सबसे नीचे है एरे फार्मूला करके है, फार्मूला सेक्शन में, ठीक है। अभी नेट स्लो चल रहा है, मेरा डाटा ख़त्म हो गया। तो एरे फार्मूला एक्सेल में देखोगे नीचे फंक्शन में तो मिल जाएगा आपको, अभी काफ़ी टाइम लगा, तो उससे आप काफ़ी एग्जांपल वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए।